अभी जा रहे हैं डेन में। डेन में मतलब अभी ये जो आपको मैं रूम दिखाने वाली हूँ, पास में आओ दिखाती हूँ क्या है यहाँ पे। सबसे पहले तो ये इतना बड़ा ऐसा ये लगा रखा है मेरे भाई ने। यू कैन सी, डू नॉट पैनिक, ऑथोराइज पर्सनल ओनली बियॉन्ड दिस पॉइंट। मतलब इसको भाई कोई देखेगा पढ़ेगा तो एकदम डर जाएगा कि आखिर ये सारा सब है क्या, क्या लिखा हुआ है। डू नॉट टच एनीथिंग, ये आप पढ़ सकते हो क्या क्या है। मेसीनेस इज अ साइन ऑफ जीनियस, टाइडिंग अप कुड इम्पैक्ट नेगेटिवली ऑन माय मेंटल डेवलपमेंट। समझ रहे हो यहाँ पे क्या लिखा गया है, क्या मुझे मैस अच्छा लगता है रूम में, और जितना जो है सारा सब फैला हुआ है उसको वैसे ही रखे, उसको टैगी ना करे, वरना वो मेरे दिमाग के लिए हानिकारक है। रिस्पेक्ट द 3 M's, माय रूम, माय स्पेस, माय बिजनेस, आवर्स ऑफ ऑपरेशन नेवर बिफोर नून। मतलब भाई साहब उठते ही नहीं है फिलहाल। वैसे ही ये रूम जो है वो मेरी और मेरे हस्बैंड की है, हमने हमारे भाई के रूम पे जो है कब्जा करके रख लिया है। कैश डोनेशन वेलकम, सो वेलकम। सो दिस इज द रूम, यू कैन सी दिस इज द बेड एंड हियर वी हैव दिस स्मॉल लिटिल सोफा। ये पीछे होता है बट थोड़ा हम लोग के कंफर्ट जोन के हिसाब से हम लोग यू नो आगे पीछे जो है वो चीजें करते रहते हैं। और ये इतनी सारी ढेर सारी पिलोज आप देख रहे हैं तो ये भी सोफा पे जाती है, बट एनीवेज अभी बैठने के लिए हम लोगों ने वो चेंज कर लिया है। दिस इज अगेन माय फेवरेट स्पॉट, यू कैन सी। सो दिस इज द मिरर। इसकी बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे जो स्लाइडिंग कबर्ड पे ये स्टिकर्स लगाए हुए हैं सो ये ऐसे रिफ्लेक्ट होते हैं वहां पे, सो इट गिव्स यू अ वेरी नाइस बैकग्राउंड यू नो। और ये ऐसा पूरा भी है तो काफी टाइम छोटे मिरर्स होते हैं तो वी कैन जस्ट सी ओनली आवर फेस, बट इसमें जो है हम जब पूरी तरह से रेडी हो जाते हैं तो वी कैन सी आवरसेल्फ्स लाइक दिस होली। ज्यादा नहीं दिखाऊंगी, पूरा मैसी है, थोड़ा बहुत दिखा देती हूँ। सो दिस इज द स्लाइडिंग कबर्ड, इट्स वेरी नाइस। इसमें क्या हो जाता है ना, दीवार के अंदर ही जो है हम लोग सेक्शंस बना लेते हैं, सो इट्स वेरी गुड कि वो ज्यादा यूटिलाइज नहीं करता है स्पेस। और एज आई सेड कि अभी कब्जा कर लिया है मैंने रूम में तो ये थोड़ा मुझे उन्होंने खाली करके दे दिया, तो नीचे और ऊपर जो है वो सारे सभी मेरी चीजें स्टफ रखी हुई है। एंड यहाँ पे ही हैज हिज बुक्स बिकॉज ही इज अ वेरी स्टूडियस गाय। ओ माई गॉड, कैन यू सी दैट? छुपाओ इसको, दिखाओ मत। सो गाइज, आज मैंने बाल धोए और अभी फिलहाल कामाली बाई नहीं आ रही है, सो एक्चुअली मेरा भाई ही है जो झाड़ू पोछा करता है घर में, क्योंकि वो जिम नहीं जा रहा तो ही फील्स लाइक कि ये करके जो है थोड़ा ही कैन मेंटेन। बट अभी मैंने यहाँ पे देखा सो बहुत सारे बाल है, इसको आप मत देखो। एंड ये भी दिखा देती हूँ आपको, पार्शियली ऑर्गेनाइज्ड। तो यहाँ पे ये प्रेस वाले अच्छे कपड़े जो है अच्छे ही है, अच्छे क्यों नहीं रहेंगे भाई, लॉकडाउन चल रहा है, कोई बाहर जा ही नहीं सकता तो अच्छे तो रहने ही है। हाँ बस ये घर के कपड़े, ये पूरे मैसी है, ये नीचे वाला अभी पूरा सब मैंने लेके रखा है क्योंकि ये सारे सब मैं बीएड कर रही हूँ तो मतलब मेरा फाइनल ईयर है, पता नहीं एग्जाम होगी कि नहीं होगी, जो भी है तो ये सारा सब वो स्टफ है। और यहाँ पे पूरी सारी मैंने एक्सेसरीज जो है मेरी वो घर ही पड़ी हुई है क्योंकि मेरे पास जगह ही नहीं है, क्योंकि ना मैं मायके की रही हूँ ना ससुराल की रही हूँ। चुक, चलो आई शो यू दिस पीस। सो दिस इज अगेन सॉरी माय फेवरेट प्लेस। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं, वाओ आपने देखे पिजन्स वगैरह, तो वो जो है वो माउंटेन्स दिख रहे हैं वहाँ पे, तो दैट पोर्शन इज ऑल्सो हम लोगों की यहाँ पे सोसाइटी में दो बिल्डिंग्स है ए एंड बी, सो दैट इज द अनदर वन बिल्डिंग। तो उनको जो है वो जब अपने बालकनी में आते तो उनको ना हम लोग के चेहरे, हम लोग के फेसेस, बिल्डिंग के फेसेस और ये सारी सभी चीज़ें ये कॉर्नर में दिखती हैं, बट हमको जो है वो बहुत अच्छा घर मिला है जहाँ पे यू नो वी कैन सी द सीनरी ऑफ द माउंटेन्स। तो बहुत बार जब सनसेट वगैरह होता है कुछ होता है तो हम लोग जो है वो यहाँ पे आके बैठ जाते हैं
and then you know we take coffee, tea, whatever we want. So this is the best place. हर रूम के आप अगर विंडोज देखेंगे सो ये ऐसी ही है कि मतलब ये जो विंडोज थी ये यहाँ पे ऐसे आगे थी. सो यू नो इतनी जो स्पेस थी वो पीछे मतलब पूरी वेस्ट जा रही थी. सो व्हाट वी हैव डन, ये सारी सभी विंडोज जो है हमने यहाँ से निकाल के पीछे शिफ्ट कर दी है. एंड यू कैन सी तो ये जो है इतना स्पेस हमें सामान रखने के लिए, तो हम लोगों ने यहाँ पे गद्दा वद्दा डाल दिया. सो यू नो वन पर्सन कैन इजिली स्लिप ओवर हियर एज वेल, इतनी स्पेस है यहाँ पे. तो ऐसे सारी सभी चीजें हम लोगों ने रखी हुई है. सो विच इज वेरी गुड. एंड यू कैन कम इन दिस कॉर्नर इफ यू कैन सी. तो ये रूम में भी जो है ऐसे छोटे 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 बॉक्सेस बना के रखे हैं. इसको हम सोच रहे थे कि कबर्ड हम लोग सॉरी डोर्स वगैरह जो है इसको लगाए, बट अभी उतना टाइम नहीं है. तो अभी जैसे जैसे धीरे धीरे होगा तो डेवलपमेंट करते रहेंगे. सो वो रहे मेरी ऊपर टॉयज, क्यूटी पाई टॉयज, उनको मैं किसी को देने नहीं देती हूँ. तो जब भाई मेरा कभी इंशाल्लाह घर हो जाएगा तो मैं मेरे सब टॉयज लेके चली जाऊंगी. यहाँ पे जो है ये गेस्ट के लिए अगर कोई भी आता है तो ये एक्स्ट्रा के जो गद्दे वगैरह जो भी होता है वो सारा सब रखा हुआ है, पिलो वगैरह. एंड यहाँ पे भी कुछ बुक्स वगैरह है और यहाँ पे भी एक्चुअली पूरा मेरा ही स्टफ है उस बॉक्स में, पुरानी सारी सभी यादें चीज़ें हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं यार बहुत ज़्यादा मेस है. और ये हम लोग का जो ये स्पाइक गार्ड है तो इसमें यू नो पूरा ये भरा पड़ा रहता है. तो फ़ोन चार्जर है, उनका फ़ोन चार्जर है, लैपटॉप का चार्जर हम लगाते हैं, फिर निकाल के मेरे लैपटॉप का चार्जर लगाते हैं. सो ऐसी वाली जो सब चीज़ें हैं वो चलती रहती है. एंड यू कैन सी हियर द स्टिकर्स, जैसे आपको स्लाइडिंग कबर्ड पे भी दिख गए होगी, छोटे छोटे बहुत ही क्यूट स्टिकर्स हैं. तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बेड के ऊपर जो है लाइट्स वगैरह लगा के रखे हैं. तो इस रूम की जो सारी सभी स्टिकर और क्या बोल सकते हैं सजावट या फिर जो भी चीजें रखी हुई है वो मेरे भाई के हिसाब से रखी हुई है. तो अमेजोन की बहुत ही अच्छी चीज है कि वो लोग बहुत ही अच्छे अफोर्डेबल यू नो इसमें बजट में अच्छे खासे स्टिकर्स प्रोवाइड करते हैं. तो जिससे जो है रूम को एक बहुत बड़ी और अच्छी रौनक आ जाती है. एंड सबका अपना अपना इंटरेस्ट होता है, उस हिसाब से लोग जो है वो स्टिकर्स भी मंगवाते हैं. सो दिस इज हाउ माई ब्रदर्स इंटरेस्ट इज, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा. आई जस्ट लव द वे ही हैज पुट ऑन द स्टिकर्स एंड एवरीथिंग. आई शो यू दैट कॉर्नर ऑफ द रूम. यहाँ पे भी कर्टन्स है और यहाँ पे सॉरी बहुत ज्यादा जो है सामान भरा पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं. सो सेम थिंग, विंडोज पीछे ले ली है और ये स्पेस जो है हम लोगों ने यूटिलाइज कर दी है. वाओ माउंटेन्स क्या लग रहे हैं, यहाँ का व्यू जो है वो सामान की वजह से छुप गया है. बट क्या करे यार, सामान तो खत्म ही नहीं होता, हम बस खरीदते जाते हैं खरीदते जाते हैं. बट मेरा यार जब मैं घर लूंगी तो मेरा मोटो ये रहेगा कि जितनी कम चीजें हो उतना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मैनेज करने में बहुत डिफिकल्ट होता है यार गाइस, सारा सब आपको साफ करते रहना पड़ता है. ओके सो कम ऑन दिस कॉर्नर. सो एज माय ब्रदर इज डूइंग यूपीएससी, तो ये सारे सभी आप उसके स्टिकी नोट्स देख सकते हैं, पूरे दीवार पे जो है वो ऐसे लगे हुए हैं. और इसमें जो है हमने थोड़ा कुछ हमारा सामान भी ऐड कर दिया है. तो यहाँ पे कुछ बुक्स है, कुछ लोशन, ऑयल, स्प्रे, दिस दैट ब्ला ब्ला. सो या दिस इज इट. ये टेबल एक्चुअली यार कंप्यूटर टेबल था, बहुत अच्छा था, बट यहाँ पे कोई बैठता नहीं है, सब अपने अपने कंफर्टेबल के हिसाब से इधर उधर जो है अपने हिसाब से बैठ लेते हैं. सो दिस वॉज द वेरी मच गुड एंड यूनिक पीस. बहुत पुराना है, हम लोगों ने बहुत पहले लिया था. एनीवेज चीजें रखने के लिए तो ये काम में आ ही जाता है. ओके सो जाते जाते यहाँ पे और एक स्टिकर आप देख सकते हो, बहुत ही फनी जो है ये स्टिकर यहाँ पे पेंगुइन के लगे हुए हैं, जो कि यार मतलब ऐसी चीजें हो ना तो रूम में आते से ही जो मन है एकदम फ्रेश हो जाता है, मूड एकदम फ्रेश हो जाता है. सो इनफ फॉर दिस रूम, चलो आते हैं. सो नाउ दिस रूम इज ऑफ माई पेरेंट्स, मॉम डैड की है ये रूम. एंड एनीवेज वो अभी घर पे नहीं है, बाहर गए, तो अच्छा हुआ उनको भगाने की मुझे जरूरत नहीं पड़ी, वरना उनको बोलना पड़ता है यार उधर बैठो इधर बैठो ये वो करो. सो यू कैन सी हियर वी हैव दिस ह्यूज बेड ओवर हियर. एंड ये मुझे लगता है ये भी काफी पुराना है, तो ये एक्चुअली
इसके जो पार्ट्स है वो सारे सब निकलते हैं. सो इसकी एक खासियत मैं आपको बताती हूँ और वो ये है कि इट हैज गॉट दिस बिग शेल्फ डाउन हियर. तो यहाँ पे जो है वो काफी सारी जो चीजें हैं वो आ जाती है. तो ये पूरा एकदम ओपन ऐसे पूरा बेड भर के नहीं है, तो ये आधा है और सेम उस साइड से जो है वो हाफ है, तो ऐसे डिवाइड करा हुआ है. सो दैट वहां की चीजें चाहिए तो वहां का हम ओपन करें और यहाँ की चाहिए तो यहाँ का ओपन हम करें. इट इज रियली वेरी स्मूथ, तो वो एक बहुत ही अच्छी बात है. हियर ऑल्सो वी हैव सम काइंड ऑफ स्टिकर्स. यहाँ पे जब अंधेरा हो जाता है तो ये छोटा सा है लाइट. व्हाट हैपेंड, इज इट नॉट वर्किंग? या इट्स वर्किंग. ओ या, तो ये ना शाम के टाइम में जब हम ऐसे बैठे तो ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत स्वीट लगता है. इसका जो रिफ्लेक्शन भी आप देख सकते हो कैसे ये पड़ता है. तो आई जस्ट लव दिस, बट उतना ज्यादा हम आते नहीं है यहाँ पे. हियर ऑल्सो वी हैव सम स्टिकर्स. I show you the attached washroom. Wait. So ये window है यहाँ पे, हम लोग कभी इसको जो है open कर देते. We have the exhaust fan over here. Oops. इसका ये जो basin वाला design है ना, ये मुझे बहुत पसंद है. I just love this round and circle thing. You know, it's very pretty. यहाँ पे भी hanger है, ऊपर आप देख सकते हैं geyser भी है. And this whole thing is the shower. जब हम आए थे यार, literally मैं तो आज भी confused होती हूँ, पता नहीं कौन सा कहाँ से use करना है क्या. कम लेटर क्लोजर आई शो यू. सो ये भी जो है, ये सारे सभी ये shower के points है. If you want, ये सारे सब आप on कर सकते हो. यहाँ पे भी एक बड़ा वाला shower था जो कि निकल गया है. We have the hand shower over here, जो ये भी निकल गया है. And या अगर हम चाहे तो फिर नल से भी जो है पानी ले सकते हैं. दिस इज द यू नो क्या बोलते हैं उसको, एडजस्टिंग फॉर द शावर थिंग. तो नॉब से जो है हम इसको यूज कर सकते हैं. एंड दैट इज इट. ये ऐसा जो है ये बाथरूम है. सो दिस इज द वेरी मच नाइस एंड अगेन माय वेरी फेवरेट रेडीमेड वाला ये जो है वो ड्रेसिंग टेबल है, मुझे बहुत पसंद है. अब मैं इसको जो है आपको दिखाती हूँ. सो हियर यू कैन सी द मिरर एंड ये डिजाइन है इसका. इज़न्ट इट सो गुड. सो यहाँ पे भी है जो छोटे छोटे शेल्फ्स बना के रखे हैं. मॉम देखो कितनी साफ सफाई करते रहती है, अच्छे से उन्होंने अपना रूम रखा है एकदम क्लीन और मस्त ऑर्गेनाइज्ड. तो यहाँ पे जो है ये ऐसे सारे सब जो काम की चीजें हैं यहाँ से बस लो, उठाओ और बैठ के जो है रेडी हो जाओ. ये भी है यहाँ पे इस कॉर्नर, यहाँ पे एक छोटा सा जो है वो ड्रॉवर दिया हुआ है. और यहाँ पे भी एक है, तो जहाँ पे दो शेल्फ आपको दिख रही है तो ये ऐसे यूज होता है. सो इसमें जो है आपका पूरा पूरा पिक्चर आ जाता है. यू कैन सी मी, द होल ऑफ मी इज विजिबल इन दिस मिरर. सो इट्स अ गुड थिंग. सेम गाइस विंडो जो उस रूम में भी थी, यहाँ पे भी पूरा सामान पूरा एकदम भरा पड़ा हुआ है. ये भी कबर्ड बहुत ज्यादा पुराना है, बहुत ज्यादा हैवी है. इसके भी पास निकलते हैं. ये बेचारा खुला है, इसको दिखा देती हूँ. तो यहाँ पे भी है थोड़ा मैस यार. कितना भी ऑर्गेनाइज कर लो, कितने भी बार कर लो, कबर्ड तो कबर्ड होता है. मतलब कितना भी अच्छा रख लो तो वो ऑर्गेनाइज रहता ही नहीं है. सो यहाँ पे भी अंदर ऐसे ही शेल्फ्स वगैरह हैं. ये ड्रॉवर्स हैं यहाँ पे बड़े बड़े, जिसमें भी सामान कूट कूट के भरा हुआ है. ये भी एक पीस है जो यू नो ओनर का था, तो ही जस्ट लेफ्ट इट बिकॉज ही हैज शिफ्टेड आउट ऑफ इंडिया. तो वी जस्ट लव्ड इट. सो यू नो ये एक अच्छा, मतलब थोड़ा एंटिक पीस टाइप लगता है, तो इसको हमने रखा है. इसमें भी पूरा सामान भरा पड़ा हुआ है. हियर वी हैव अ स्मॉल ट्रॉली, जो भी ऊपर ऊपर के सामान है वो यहाँ पर हम रखते हैं. एंड सेम थिंग ओवर हियर. सो आप देख सकते हैं, बट अभी उस रूम की खिड़की में और इसमें जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस है. तो डिफरेंस क्या है, यहाँ पे आप बाहर देख सकते हैं. इस विंडो का नजरिया बाहर से ऐसे नहीं दिख रहा है क्योंकि मॉम ने जो है यहाँ पे कर्टन वगैरह सारे सभी लगा के रखे हैं. आई विल जस्ट गिव यू अ स्नीक पिक. देखो यहाँ पे पूरी बिल्डिंग है, वैसे देखने लायक कुछ है भी नहीं, सिर्फ बिल्डिंग्स ही है. सो एनीवेज, तो ये कर्टन इसलिए लगाए हैं क्योंकि अभी बारिश का मौसम है एंड
यू नो जब पानी आता है तो भले ही ये सारा सब अच्छे से पूरा बंद है, बट बहुत बार जो क्या होता है हवा से जो है वो पानी एकदम से ऐसे ये साइड में फोर्स से आ जाता है. सो कहा कहते हैं तो फोर्स से आ जाता है, तो यू नो कभी कभी डर होता है कि पानी जो है वो यहाँ तक के आ जाए और ये जो सारा सब रखा हुआ है कि गीला हो जाता है. सो इससे क्या होता है पानी यहाँ पे सोख हो जाता है बाहर में कर्टन में, एंड देन द वाटर जस्ट यू नो फॉल्स डाउन साइड एंड इट जस्ट गो अवे, तो वो यहाँ पे नहीं आता है. बट हम लोगों के खिड़की का साइड जो है वो भी बहुत अच्छा है, दैट्स वाई वी हैव केप्ट इट ओपन. तो जब बारिश आती है तो थोड़ा हमें टेक केयर करना पड़ता है कि उसको थोड़ा हम यू नो कैसे संभाले और यूज करें. सो ओके दिस पीस हियर इन द कॉर्नर यू कैन सी दैट्स अगेन वन ऑफ माई फेवरेट पीस जो बहुत अच्छा लगता है मुझे, मतलब डेकोरेटिव है वो, इट्स वेरी नाइस. आई शो यू द अटैच्ड वॉशरूम. सो ये विंडो है यहाँ पे, हम लोग कभी इसको जो है ओपन कर देते, वी हैव द एग्जॉस्ट फैन ओवर हियर. ओप्स, इसका ये जो बेसिन वाला डिजाइन है ना ये मुझे बहुत पसंद है. आई जस्ट लव दिस राउंड एंड सर्कल थिंग, यू नो इट्स वेरी प्रिटी. यहाँ पे भी हैंगर है, ऊपर आप देख सकते हैं गीजर भी है, एंड दिस होल थिंग इज द शॉवर. जब हम आए थे यार लिटरली मैं तो आज भी कंफ्यूज होती हूँ, पता नहीं कौन सा कहाँ से यूज करना है क्या. कम लेटर क्लोजर आई शो यू. सो ये भी जो है ये सारे सभी ये शॉवर के पॉइंट्स है, इफ यू वॉन्ट ये सारे सब आप ऑन कर सकते हो. यहाँ पे भी एक बड़ा वाला शॉवर था जो कि निकल गया है. वी हैव द हैंड शॉवर ओवर हियर जो ये भी निकल गया है, एंड या अगर हम चाहें तो फिर नल से भी जो है पानी ले सकते हैं. दिस इज द यू नो क्या बोलते हैं उसको, एडजस्टिंग फॉर द शावर थिंग. तो नॉब से जो है हम इसको यूज कर सकते हैं, एंड दैट इज इट. ये ऐसा जो है ये बाथरूम है. तो चलिए अभी लास्ट एकदम मेरा फेवरेट वाला और जन्नत दिखाती हूँ. रेडी टू गो. ओ माय गॉड, आप देख सकते हैं आते से ही बंद करो, इतनी जो हवा है वो एकदम से आ गई. काय कर रहे. So this is it, you can see. So this is our so very very favorite place. यहाँ पे अच्छे से you know as it is on the height, 9th floor पे है तो बहुत ज़्यादा जो है वो हवा आती है. So guys ये हम लोग की favorite place है, और इसलिए भी है क्योंकि अगर आप पुणे मुंबई में कहीं पे भी जाए कहीं पे भी देखोगे तो ये इतनी बड़ी जो ह्यूज वास्ट बालकनी है ये आपको कहीं कहीं नहीं दिखेगी. आज भी अगर आप जाओ तो हाँ दिख जाएगी, हो सकता है 3 या 4 BHK में जो है वो ऐसी बड़ी बड़ी बालकनीज होती है, बट दिस इज द 2 BHK हाउस. तो इसमें जो है इतनी बड़ी बालकनी कहीं पे भी आप जाओ मिलना मुश्किल है. सो वी जस्ट लव दिस प्लेस. तो जो आपने सिटी पलंग वहाँ पे देखा था वो एक्चुअली यहाँ पे इस कॉर्नर में हम लोगों ने बाहर रखा हुआ था, बट बारिश की वजह से हम उठा के रख दिया. तो वी हैव हियर द बीन बैग ऑल्सो, तो कभी बैठ के यू नो थोड़ा सा चाय वाय पी लिया बैठ के थोड़ा सा. तो यहाँ पे आप कारपेट डाल के या फिर कुछ भी करके यू नो यू कैन जस्ट यूज दिस प्लेस सो वेरी नाइसली विथ व्यू ऑफ द नेचर. सो यू कैन सी द नेचर हियर, द माउंटेन्स, द क्लाउड्स, और इसमें आपको मैं बता दूँ मस्त सनसेट दिखता है. तो मैं देखती हूँ इवनिंग में अगर मैं कैप्चर कर पाऊँ तो मैं आपको सनसेट भी दिखाऊँगी. एंड डाउन हियर यू कैन सी इन द सोसाइटी वी हैव द स्विमिंग पूल, जो अभी फ़िलहाल हम जा नहीं रहे हैं. वहाँ पर जो है वो क्लब हाउस है. नीचे के साइड में जो है वी हैव द गार्डन ओवर देयर, और वहाँ पे आप स्पेस देख सकते हैं जहाँ पे यू नो छोटे छोटे बैठने का एरिया है वो रखे हुए हैं ऐसे बहुत सारे कॉर्नर्स पे. सो इफ वी गो डाउन वी कैन जस्ट यू नो रोम अराउंड एंड सिट. एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ये
ये स्टैंड जो है कभी बारिश के मौसम में जब हम ऊपर कपड़े वगैरह ऐसे नहीं डाल सकते हैं तो इसको सीधा हम अंदर ले लेते हैं एंड देन वी पुट द क्लोथ. बट दैट थिंग इज वेरी नाइस. अब यू कैन सी वो इसको जो है हम क्या करते हैं. हियर यू कैन सी द पॉइंट्स. मैं आपको एक ओपन करके दिखाती हूँ. सो वी जस्ट पुल इट और ये हम ऐसे कुछ इसको निकाल लेते हैं. कपड़े डालते हैं चिपके उनको लगाने पड़ते हैं. हवा बहुत चलती है कपड़े धोने का बहुत डर होता है. सो यू नो चिमटे लगाना बहुत जरूरी है. एंड देन जैसे कपड़े हम डाल देते हैं वी जस्ट पुल इट अप लाइक दिस और यहाँ पे हम उसको जो है स्टॉप कर देते हैं. सो इट्स अगेन अ वेरी गुड थिंग. तो बारिश है तो इसलिए यू नो हम इसको अंदर लेके कपड़े इसमें ही सुखाते हैं. सो दैट इज इट गाइस. यहाँ पे देखिए पिजन्स. फ्रेंड्स ये जो सीन है मैंने नेक्स्ट डे शूट करा है. तो जहाँ पे यू नो पिजन्स कभी कोई इस बालकनी में कुछ डाल देता है तो वो अच्छे से आके यू नो ऐसे जमा होके क्राउडेड करके पूरे सारे सभी जो अपना जो खाना है वो खाते रहते हैं. तो एक अच्छा लगता है. आप देख सकते हैं सारे सभी अच्छे से हैं बैठे हुए वहाँ पे. अब जो है ये थोड़ी देर में उड़ने वाले हैं. देखते रहिए ये गए. Beautiful. But you can see the box of the AC. तो वहाँ पे अभी थोड़ी हम लोग को प्रॉब्लम हो रही है बिकॉज पिजन जो है वहाँ पे उन्होंने अपना घोंसला बना के रखा हुआ है. एंड इट्स लिटिल बिट डिफिकल्ट यू नो क्योंकि बहुत ज़्यादा पिजन जब हो जाते हैं सो वी हैव देयर पॉटीज एंड ऑल अराउंड. तो हमें वो क्लीन करते रहना पड़ता है. तो उसका हमें कुछ तो करना पड़ेगा. एंड अगेन हियर यू कैन सी वी हैव दिस कबर्ड विच हैज़ दिस मिरर. तो कभी भी मैं जब जैसे बाल कॉम करने आती हूँ या थोड़ा ऐसे लगा के फ़ोटो वोटो खींचनी है फटाक से यू नो थोड़ा देख लेना है फेस को वगैरह जैसे मैं अभी देख रही हूँ. सो दिस कैन बी यूजफुल दैट वे. तो थोड़े अभी ये जाम है बट इसमें भी जो है बाहर की चीज़ें हम लोगों ने रखी हुई हैं. ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो बाहर की चीज़ें होती हुई हैं बाकी और कुछ नहीं है. ओके एंड द वेरी मोस्ट अगेन यहाँ पे गाइस जगह इतनी है और अगर हम चाहें तो बहुत एक अच्छा बड़ा थोड़ा यू नो ग्रास का शीट डाल के एंड ऑल लॉन टाइप बना सकते हैं. बट एज हमने ये घर थोड़ा अभी नया ही लिया है तो उतना ज़्यादा फिर लॉकडाउन ही आ गया तो हम ज़्यादा उसको डेवलप नहीं कर पाए. तो फिलहाल जो हम लोगों के पास स्पॉट्स वगैरह हैं बस उसी को हमने रखा हुआ है. तो इफ़ यू कैन तो मतलब बहुत अच्छे से आप इसको सजा सकते हो. सो यहाँ पे हम लोगों के पास दो जो है वो तुलसी का पौधा है. यहाँ पे वी हैव द बनाना वाला जो प्लांट होता है वो है. ये देखो कितने प्रिटी फ्लावर्स आए हुए हैं यहाँ पे. शू फ्लावर एकदम छोटा सा प्लांट है बट बहुत ज़्यादा जल्दी इनको जो है वो फ्लावर्स आते हैं. एंड दैट्स इट. थोड़ा यहाँ पे कड़ी पत्ता भी हम लोगों ने लगा रखा है. लॉकडाउन में कभी कभी हम सोचते हैं यार अगर जगह होती मिट्टी होती तो यू नो अच्छे से कुछ अपना घर का ही थोड़ा जो हम ग्रो कर सकते तो वो हम कर लेते थे. बट एनीवेज जैसा भी है जो भी है तो वी जस्ट मैनेज. ओके वी हैव हियर द वाइट रोज एज वेल. सो नाइस. तो ये जो है वो थोड़ा फ्रेश फीलिंग आपको देखते हैं यहाँ पे है. क्या आपको लास्ट वाला चीज़ है यहाँ पे दिखा देती हूँ. जो बहुत ज़्यादा हवा चलती है यू नो जैसे कि अभी चल रही है आप देख सकते हो. तो ये हम लोगों ने हम शायद सिंगापुर बैंकॉक साइड गए थे घूमने तो वहाँ से हम लोगों ने इसको लाया था. तो इसको पहले घर में रखा हुआ था बट ये पकड़ने में और हैंग करने में बहुत ज़्यादा हैवी है तो घर से निकाल के जो है हमने इसको इस कॉर्नर में लगा दिया है. तो जब हवा आती है तो ये बहुत ज़्यादा ऐसे आवाज़ करती है और अच्छा भी लगता है. तो दिस इज़ अ वेरी गुड ग्रेट पीस ओवर हियर. ये रही एक सनसेट की पिक गाइस जो आपके लिए मैंने क्लिक करी है. तो ये कुछ ऐसा दिखता है व्यू. फ्रेंड्स ये मैंने नाइट में शूट करा है. लाइट वाला झूमर है जो हॉल में लगा हुआ है. तो ये आप देख सकते हैं अभी डार्क पिंक में है. इसका ये रिमोट है तो लाइट चेंज हो. अब ये जो है यहाँ पे हम देख सकते हैं ऑफ वाइट कलर का हो गया है. अब जो है आप देख सकते हैं थोड़ा येलोइश व्हाइटिश ऐसा कुछ कलर दिख रहा है. ये डार्क येलो हो जाता है अच्छे से. ये ऐसे टाइप से
अब जो है मैं बाहर आ गई हूँ, आप देख सकते हैं बालकनी में ये जो ग्रिल है इस पे ये झुम्बर वाला जो हमने पिंक लाइट लगा के रखा है तो उस पे ये कैसे रिफ्लेक्शन आ रहा है इस पे, तो ये बहुत सुंदर दिखता है। और सामने वाले भी जो घर में रहते हैं वो लोग भी जब वहाँ से देखते हैं तो उन्हें वो बहुत ही ब्यूटीफुल दिखता है पिंक लाइट ऐसे घर में जो जला हुआ है वैसे। और ये है कुछ नाइट का व्यू। ये मैं अब घर के अंदर आ गई हूँ, हॉल में देखिए इसका रिफ्लेक्शन पूरे हॉल में कितना अच्छा दिख रहा है। हाउस टूर हो गया है खत्म, अभी हम अंदर चलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको जो है हाउस टूर कैसा लगा। एंड अभी भी लॉकडाउन यहाँ पे पुणे में चल ही रहा है तो यू नो हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं। सो एवरीबडी आउट देयर स्टे होम स्टे सेफ, चाहे करोना हो या ना हो बट हमें जो है बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। अच्छे से रहिए, सबका ख्याल रखिए, अपना भी ख्याल रखिए एंड बस बाय बाय, टेक केयर।